डर और भय के प्रतीक शहाबुद्दीन को जमानत क्या मिली है, ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जिससे बिहार में सुशासन पूरी तरह समाप्त हुआ है। अदालती प्रक्रिया होती है, अदालत का निर्णय आता है, लेकिन अदालत के निर्णय में जिनके साथ घटना होती है उसके साथ सरकार खड़ी रहती है। यहां जिनके साथ घटना हुई उसके साथ बिहार सरकार खड़ी नहीं रही, बल्कि शहाबुद्दीन को बचाने के लिए एन केन पड़कारेन क्या क्या किया जा सकता है, इस पर नीतीश कुमार जी की सरकार लगी रही। राजेश रोशन हत्याकांड में यह कहा गया था कि राजीव रोशन हत्याकांड के जो अभियुक्तों को अदालत से यह निर्णय हुआ था कि जल्द से जल्द ट्रायल पूरा किया जाए और उस ट्रायल को पूरा करके फिर कोर्ट के पास सरकार आए। ट्रायल पूरा क्या होगा, बल्कि सरकार ने, बिहार सरकार ने ट्रायल शुरू भी नहीं किया। आखिर किस तरह से बिहार के अंदर सत्ताधारी दल के नेता को मदद की जाती है, इसका बहुत बड़ा प्रमाण है आज शहाबुद्दीन का जेल से आना। जिस तरह से उनको जमानत मिली है, वो जमानत पूरी तरह बिहार सरकार उसमें पक्ष रहे कि बिहार में भय का वातावरण का निर्माण करने में सरकार का बहुत अहम रोल रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर लोगों की उम्मीद तोड़ने वाली एक दल बन गई। न उनके पार्टी के नेताओं को न जनता को उस पर विश्वास रहा है। उनकी कथनी और करनी में अंतर साफ दिखता है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता तरह तरह के क्रिया में शामिल हैं,